हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th के चैप्टर पॉलीनोमियल्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको 6 ग्राफ दिए गए हैं और ये ग्राफ किसके हैं, ये ग्राफ है पॉलीनोमियल इन एक्स के, पी एक्स के। ठीक है, हर ग्राफ में पॉलीनोमियल इन एक्स मतलब पी एक्स को ड्रॉ किया गया है और हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है पॉलीनोमियल पी एक्स के कितने जीरोस हैं। देखो पैराग्राफ कंसीडर करते हैं। पहले ग्राफ में हम देखते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, ये पॉलीनोमियल पी एक्स का कर्व है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी ना तो टच करती है ना ही इंटरसेक्ट करती है। अभी ये जो पॉलीनोमियल पी एक्स का जो कर्व है, चूंकि एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच भी नहीं करती और कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, तो हम ये बोलेंगे इस पॉलीनोमियल पी एक्स के जीरोस कितने हैं, कोई है ही नहीं, मतलब जीरो जीरोस है, कोई जीरोस ही नहीं है। ठीक है, अब सेकंड ग्राफ में देखिए, सेकंड ग्राफ में पॉलीनोमियल पी एक्स को ड्रॉ किया गया है, हमें ये वाला कर्व मिला है और हम देखते हैं कि यहां पर एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे ये कर्व ये टच करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो यहां पर एक ही पॉइंट है, तो हम बोलेंगे कि यहां पर इस केस में सेकंड ग्राफ में पॉलीनोमियल पी एक्स के कितने जीरोस हैं, एक जीरो है। अब ये देखिए यहां पे पॉलीनोमियल पी एक्स का ग्राफ, ये एक ऐसा कर्व है जो एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है, 1, 2 और 3, तो हम बोलेंगे यहां पर 3 जीरोस है। ठीक इसी तरह से देखो यहां पर पॉलीनोमियल पी एक्स का जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, इसका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, तो हम बोलेंगे यहां पर इस पॉलीनोमियल पी एक्स के 2 जीरोस हैं। यहां पे देखो, यहां पे इस ग्राफ में जो पॉलीनोमियल पी एक्स का ग्राफ है, इसका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 और 4 जगह इंटरसेक्ट करता है, तो हम बोलेंगे यहां पे इसके 4 जीरोस हैं। क्लियर। और अब यहां देखिए, यहां पे पॉलीनोमियल पी एक्स का जो हमने ग्राफ बनाया, तो पॉलीनोमियल पी एक्स का जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को एक जगह तो इंटरसेक्ट करता है यहां पे और 2 जगह टच करता है, तो टोटल 1, 2 और 3, तो यहां पे इसके 3 जीरोस हुए।